और इसी बीच रुख करेंगे इस वक्त की बड़ी खबर भोपाल से, जहां सीएम शिवराज सिंह चौहान ने ऐलान किया है रहा है 20 सितंबर से प्राथमिक स्कूल लगेंगे, कक्षा 1 से 5वीं तक की कक्षाएं भी लगेंगी, 50% क्षमता के साथ स्कूल शुरू किए जाएंगे। बड़ी खबर आपको राजधानी भोपाल से बता रहे हैं, जहां मध्य प्रदेश में 20 सितंबर से 1ली से लेकर 5वीं तक के स्कूल 50% क्षमता से लगेंगे। साथ ही रेसिडेंशियल स्कूलों में 8वीं 10वीं और 12वीं की क्लास पूरी क्षमता के साथ लगेंगी। बड़ी खबर आपको राजधानी भोपाल से बता रहे हैं, जहां मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने बड़ा ऐलान किया है, जहां 1ली से 5वीं तक की कक्षाएं 20 सितंबर से शुरू होने जा रही हैं। फिलहाल 50% क्षमता के साथ क्लास लग सकेंगी। बच्चों के स्कूल आने के लिए पेरेंट्स से अनुमति जरूरी होगी। मंगलवार को मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान की अध्यक्षता में बैठक में यह फैसला लिया गया है। वहीं आवासीय स्कूल में 8वीं 10वीं और 12वीं की क्लास 100% क्षमता के साथ खुलेंगी। बड़ी खबर आपको राजधानी भोपाल से बता रहे हैं, जहां प्राथमिक स्कूल खुलने का ऐलान कर दिया गया है। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने यह बड़ा ऐलान किया है। बड़ी खबर आपको राजधानी भोपाल से बता रहे हैं, जहां मध्य प्रदेश में अब स्कूल खुलने जा रहे हैं। बता दें कि सीएम शिवराज सिंह चौहान का बड़ा ऐलान माना जा रहा है, 20 सितंबर से प्राथमिक स्कूल लगेंगे। इसी खबर पर और जानकारी के लिए भोपाल से हमारे संवाददाता अमीन बेग हमारे साथ जुड़ गए हैं। अमीन, मध्य प्रदेश में 1ली से लेकर 5वीं तक की सभी कक्षाएं और प्राथमिक स्कूल खुलने जा रहे हैं, क्या है पूरी जानकारी? देखिए, बिल्कुल अच्छी खबर है कि अब बच्चे स्कूल जा पाएंगे, सरकार ने फैसला लिया है जी। और मुख्यमंत्री ने कुछ ही देर पहले इसकी जानकारी दी है कि अब स्कूल पूरी स्ट्रेंथ के साथ जो है खुल सकेंगे। हालांकि अभी भी ये कहा गया है कि बच्चों की पढ़ाई डिस्टर्ब ना हो, क्योंकि पिछले 1.5 साल से पढ़ाई डिस्टर्ब हुई है, इसलिए ये कोशिश की जा रही है। लेकिन साथ में सतर्कता बरतने की भी बात कही गई है कि टीचर्स जो है वो पूरी तरीके से वैक्सीनेटेड होना चाहिए, और प्रोटोकॉल जो होता है कोविड का, उस प्रोटोकॉल के तहत ही बच्चे स्कूल पहुंच पाएंगे। तो ये अच्छी बात कही जा सकती है कि बच्चे अब दोबारा स्कूल पहुंचेंगे और पढ़ाई कर पाएंगे। जी बिल्कुल अमीन, ऐसे में 50% क्षमता के साथ स्कूल खोले जा रहे हैं, साथ ही 8वीं 10वीं और 12वीं की जो क्लासेस हैं इनको पूरी क्षमता के साथ खोला जाएगा। तो क्या इनकी मुख्य वजह है कि 8वीं 10वीं और 12वीं की कक्षाएं पूरी क्षमता के साथ खोली जा रही हैं? अभी जो कोविड का जो दूसरा फेज आया और जो भयावहता उसमें देखने को मिली, उसके बाद कहीं ना कहीं जो डर की बात थी वो सभी के चेहरे पर दिखाई दे रही थी। हालांकि बाद में धीरे धीरे चीजें सामान्य हुई, सारी चीजें खोल दी गई, लेकिन स्कूल ही एक ऐसा था जिसको खोला नहीं गया। आप देखिए कि बड़ी बड़ी रैलियां हुई, जनसभाएं हुई, पॉलिटिकल कार्यक्रम हुए, शादी ब्याह जो होते हैं वो भी पूरी स्ट्रेंथ के साथ हुए, लेकिन स्कूल ही एक ऐसा था जिसको होल्ड पर रखा गया। और बीच में ये हुआ कि कम स्ट्रेंथ के साथ स्कूल खोले जाएंगे और एक सीमित कक्षाएं जो है वो चलाई जाएंगी। लेकिन अब सरकार ने जो फैसला लिया है कि मुझे लगता है कि अगर कोई ज्यादा कोविड के केसेस नहीं बढ़ते हैं तो फिर एक बार सुचारू रूप से पढ़ाई लिखाई स्कूलों में पहुंच कर बच्चे कर पाएंगे। तो मकसद पीछे का यही है कि पढ़ाई जो अब तक की इस तरीके से कहें कि जो खराब हुई है वो अब आगे और ना खराब हो, इसलिए अब स्कूल पूरी स्ट्रेंथ के साथ खोले जाए। हालांकि जो मैंने कहा कि कोविड का पालन जो है वो बहुत करना होगा, उसका पालन करना होगा, और साथ में ये भी देखा जा रहा है, क्योंकि अभी देखिए अभी ये भी देखा जा रहा है सरकार की तरफ से, जो ये भी कहा गया है कि अगर केसेस बढ़ते हैं कोविड के अगले 1-2 महीने में तो फिर सरकार फैसलों को लेकर वापस पुनर्विचार भी कर सकती है। लेकिन अभी चूंकि बच्चों की पढ़ाई डिस्टर्ब हो रही है, इसलिए सरकार ने फैसला लिया है। जी अमीन, जानकारी साझा करने के लिए बहुत धन्यवाद। तो बड़ी खबर आपको राजधानी भोपाल से बता रहे हैं, जहां मध्य प्रदेश में अब स्कूल खुलने जा रहे हैं। बता दें कि 1 से लेकर 5वीं तक के बच्चों को 50% क्षमता के साथ क्लासेस खोली जाएंगी, साथ ही 8वीं 10वीं और 12वीं के बच्चों के लिए क्लासेस पूरी क्षमता के साथ खोली जाएगी।